हैशटैग टाइगर जिंदा है। ट्विटर के गलियारों पर यह हैशटैग काफी ट्रेंड कर चुका है। सबसे पहले यह हैशटैग तब ट्रेंड हुआ था जब टाइगर जिंदा है अनाउंस हुई थी। उसके बाद ये ट्रेंड फिर नजर आया जब रिलीज हुआ था पोस्टर टाइगर जिंदा है का। इस पोस्टर में सलमान और कटरीना नजर आ रहे थे और दोनों ही तैयार लग रहे थे किसी जंग के लिए। फिर इस हैशटैग ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी क्योंकि तब रिलीज हो गया था टाइगर जिंदा है का ट्रेलर। ट्रेलर को देखने के बाद सलमान खान फैंस ने बार बार इस ट्रेलर को देखा और हैशटैग टाइगर जिंदा है को ट्वीट किया, रीट्वीट किया और इस ट्रेलर ने इस ट्रेंड को जबरदस्त प्रमोशन दिया। वहीं हैशटैग एक बार फिर नजर आया था जब पद्मावती की रिलीज डेट क्लैश हो सकती थी टाइगर जिंदा है के साथ। ऐसा माना जा रहा था कि पद्मावती को गुजरात इलेक्शंस के बाद रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब साफ हो गया है कि पद्मावती दूर दूर तक रिलीज नहीं होने वाली, तो टाइगर जिंदा है के कॉम्पिटिशन में पद्मावती नहीं आएगी। इतना ही नहीं, जब सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है का पहला गाना स्वैग से स्वागत भी रिलीज हुआ था तब भी यह हैशटैग काफी पॉपुलर हुआ था। और अब सलमान को इंतजार होगा हैशटैग टाइगर जिंदा है फिल्म रिव्यू का, क्योंकि बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज होगी और लोग इसका रिव्यू ट्वीट करने में लग जाएंगे हैशटैग टाइगर जिंदा है के साथ।